यूपी की योगी सरकार 18 फरवरी को अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है और इस बार यूपी का बजट 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। और इस बार भी धर्मस्थलों खासकर अयोध्या को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं और वहीं बजट को लेकर प्रदेश की जनता भी सरकार से काफी उम्मीदें लगाई बैठी है। तो बजट को लेकर जनता की उम्मीदें क्या है वो आपको बताते हैं। हम यूपी का बजट आ रहा है उसका स्वागत करेंगे, तब करेंगे स्वागत जब बरेली को कुछ ना कुछ इस बार जरूर मिलेगा। यहाँ पर देखा होगा कि एक जिला अस्पताल है और 100 बेड का अस्पताल भी यहाँ पर शुरू किया गया है, मगर अभी तक 200 बेड का अस्पताल शायद शुरू किया गया है मगर वो अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। दूसरा यहाँ जिला अस्पताल है, स्वास्थ्य बिल्कुल मतलब स्वास्थ्य जो है बिल्कुल नील बटा नील है। अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाता है आज भी उसे दिल्ली या लखनऊ रेफर किया जाता है। ना तो इस अस्पताल में न्यूरो सर्जन है, ना न्यूरोलॉजिस्ट है और ना कोई हार्ट का डॉक्टर है, तो ऐसे अस्पताल में वो कैसे इलाज होगा, समझे। ये मैं चाहूँगा यूपी सरकार से कि हर ज़िले में जो एक मंडल के रूप में बड़े ज़िले हैं उसमें कम से कम एक पार्किंग जोन एरिया हो जहाँ पे अपनी कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पार्क कर सके। सर उस बजट में देखो युवा पीढ़ी को नौकरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारी ज़्यादा है, किराया ज़्यादा है, भागदौड़ ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा चौबीस महंगाई हो गई है, बेफालतू रुपये ज़्यादा खर्च करा जा रहा है। जैसे कि 22,000 करोड़ रुपया मूर्ति में लगा दिया, उसमें से बाई चांस 100 करोड़ रुपया कम लगा करके हम थोड़ी ऊंचाई कम करते हैं उसकी मूर्ति की। अगर बजट जो आधार कार्ड बन गए हैं उनके खाते में थोड़ा थोड़ा पैसा डाला जाता तो गरीब भाई चली जाती बिल्कुल। बजट में हम ये चाहते हैं कुछ अच्छा हो गए, तो रोजगारों की स्थिति बहुत डाउन चल रही है, देखो गरीब आदमी जो है वैसे ही बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, थोड़ा रोजगारों का जो है लाइन मिलेगी, पैसे कमागा, दिक्कत परेशानियों से दूर हो। ऐसा ना हो कि जैसे अभी टैक्स बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे अभी कुछ टाइम से पहले सिलेंडर के पैसे बढ़ गए हैं, ठीक है, ये सब गरीब की जेब पर जा रहा है, उसका ध्यान रखिए। दूसरी तरह जैसे दिल्ली में बिजली पानी फ्री है, यूपी जनता पे इतना काम नहीं है जितना दिल्ली के अंदर है और यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। देखिए बजट में पहले अपने आप से दुकानदार से शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात यहाँ है कि सुविधाएं जो हैं बिजली के लिए लीजिए, बिजली यूनिट इतनी महंगी है यहाँ पर और इसी के हिसाब से बिजली को सस्ता करा जाए। दिल्ली के हिसाब से ले लीजिए, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कम से कम फ्री नहीं कर सकते, कम से कम सस्ता तो करा जाए। कुछ भी उम्मीद ना आई, बीज महंगा है, वही गाय की परेशानी, 60 रुपये घंटे पानी, गायों से परेशान, दिन रात उन्हें रखाओ, अच्छा फिर भगा गाओ, फिर घूमते रहो, रोड पे बाजार निकल के तो समझ लो एक्सीडेंट का। सर मेरा कहना यही है कि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया है, किराया जरा सी दूर के लिए जाते हैं 10-10, 20-20 रुपये ले लेते हैं और नरेंद्र मोदी जी मेरा यही कहना है योगी जी से कि इसको डीजल को पेट्रोल को सस्ता कराया जाए। देखिए बजट से ही यही उम्मीदें हैं कि सरकार थोड़ा शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे, थोड़ा बेरोज़गारी पे ज़्यादा ध्यान दे, किसानों के लिए थोड़ा ज़्यादा समर्थन मूल्य आए और जो हमारा रियल स्टेट सेक्टर है उसके लिए कुछ अगर रेरा में प्रावधान हो जिससे जो लोगों को घर नहीं मिल रहा है वो घर मिल पाए। मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारा यूपी का बजट आ रहा है इसमें आम जनता के लिए सुविधा दी जाए, जैसे के लिए किसानों के लिए भी, खेती बाड़ी के लिए, महंगाई के लिए भी देखा जाए और शिक्षा के लिए भी अच्छा हो। देखो एज ए वुमेन तो हमेशा ये रहेगा ही कि जितनी भी चीज़ें हैं वो वुमेन ओरिएंटेड हो, जैसे एजुकेशन हो गई और फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड जितने भी चाइल्ड लेबर होता है उस पर ध्यान दिया जाए, हर एक के घर में छोटी छोटी लड़कियां काम कर रही हैं पढ़ने के अलावा, तो सिक्योरिटी उस चीज़ में देखी जाए, प्लस वुमेन की सिक्योरिटी यूपी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि मतलब अप्रोच जो है थोड़ी मुश्किल रहती है। सो एज अ वुमेन मुझे लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट दिस विद द गवर्नमेंट। देखो आम बजट में तो सिंपल सी बात है, जो आम लोग हैं पहले उसके साथ होनी चाहिए, जो आज की डेट में परेशानी चल रही है बेरोजगारी को लेकर के या बाकी चीज़ें जो है ओवरऑल जो परेशानी चल रही है कि जो महंगाई पर आदमी फंसता है उसमें हो, हमारे आम लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत मिले पेट्रोल खासकर, उसमें बजट अच्छा है कि ऐसा कि पेट्रोल में ज़रा ईजी हो जाए हमारे लिए। कि हम जैसे कि कम उम्र में भी विधवा हो गई हैं तो हम लोगों के लिए, हम आजकल के बेटे बहू तो रखते नहीं हैं और मेरे बेटे बहू भी नहीं कुछ कमा रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो भी विकलांग है मेरा बेटा, अब ऐसी मेरी जैसी और भी बहनें पीड़ित होंगी, तो हम लोगों के लिए जैसे कहीं हॉस्पिटल में बीमार हो गई, कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ से उनके पैसे चुका पाएंगे या अपना इलाज करा पाएंगे, क्योंकि हर बार जो सिलेंडर का जो इनका रेट हाई हो जाता है जो बीच के मीडियम लोग जो हैं उनका सैलरी इतनी नहीं होती है, हर बार ये बजट ऐसा हो जाएगा तो उनके यहाँ पर बहुत ही दिक्कतें खड़ी हो जाती है। इस टाइम मार्केट बड़ा मंदी से जूझ रहा है,
इस समय जो है आपके ऑनलाइन जो मार्केट में प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, इस कारण बहुत मंदी से चल रहा है। इसको बंद कर देना चाहिए सरकार को, तब तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री जो हो रही है उसको बंद किया जाए। ऑनलाइन बिक्री से जैसे हमारे मेडिकल भाइयों को परेशानी आ रही है, उससे थोड़ी सी परेशानी उनकी दूर हो जाएगी। बजट अच्छा होना चाहिए हमारे मतलब परिवार के लिए अच्छा होना चाहिए, जो कि अब महंगाई बढ़ रही है, अभी सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैं, और इस पर भी सोचना चाहिए, उनको कम करना चाहिए जो